दोस्तों अगर आप फोन बाय करना चाहते हो वन प्लस का, तो आज मैं आपको दोस्तों वन प्लस के 6 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाले हैं जो 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं। तो 5G स्मार्टफोन के बीच में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी बड़ी बैटरी, बड़ा आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट दोस्तों गेमिंग के लिए एक सबसे ज्यादा परफेक्ट आपको स्मार्टफोन बाय करने के विषय में हेल्प करूंगा। सो की आज की वीडियो में मैं 6 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा। तो आज की वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए आप दोस्तों वीडियो को वॉच कीजिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक बढ़िया 5G स्मार्टफोन बाय करने के बीच में मैं आपको हेल्प करूंगा। तो चलो दोस्तों बात करते हैं हम सदा OnePlus 6T। दोस्तों ये एक बड़ी स्क्रीन होने वाला है, ये दोस्तों फोन जाना जाता है हमारा, सबसे ज्यादा बढ़िया इसका डिजाइन है, और इसके बीच में बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, और मोस्ट इसके बीच में एक दिन की निकालने वाली बैटरी है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पर 6.41 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो इसमें अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो आपको दोस्तों कंपनी ने दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्लस का, तो 845 का आपको इसमें मिल जाता है प्रोसेसर। सो की आपको दोस्तों मिलेगी BGMI के बीच में 90 FPS के सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छे से, और इसके बीच में रिफ्रेश आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो वीडियो बनाने के लिए अगर आपको बढ़िया सेल्फी कैमरा चाहिए तो इसमें 16 मेगापिक्सल का कंपनी ने हमें कैमरा दिया है। तो बैक के लुक में भी आपको दोस्तों दो कैमरे की ऑप्शन मिल जाएगी, वो है 16+20 मेगापिक्सल के कैमरे। तो इन कैमरे से दोस्तों वीडियो बना सकते हो 4K के बीच में। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको चाहिए रैम ज्यादा तो 8GB की रैम मिलेगी, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर 3700mAh की बैटरी मिलेगी, तो एक दिन की दोस्तों ये वाली बैटरी निकालने वाली है। दोस्तों ये वाला फोन सबसे ज्यादा बढ़िया फोन माना गया है वो 2022 के बीच में। अगर आपको फोन बाय करना है तो OnePlus 6T दोस्तों बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन है, वो भी गेमिंग के लिए। अगर आप 8GB रैम वाला दोस्तों फोन लेना चाहते हो तो 22,999 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा, वो भी दोस्तों Amazon के बीच में। तो लिंक्स आपको दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन के पीछे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बात करते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की। ये दोस्तों मैं कंपैरिजन के साथ आपको बताऊंगा, ये है OnePlus Nord एंड OnePlus Nord CE। दोस्तों ये दोनों 5G स्मार्टफोन है, इसके बीच में OnePlus Nord के बीच में 6.44 इंचेस की आपको डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले दोस्तों देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों OnePlus Nord जो है ये दोस्तों जाना गया है अपनी दोस्तों लुक्स वाइज, और इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इन दोनों फोन के दोस्तों बैटरी की। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन के बीच में आपको बैटरी मिलती है 4500mAh की, बिग बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको Nord के बीच में मिलेगी 4115mAh की बैटरी। तो दोनों बैटरी फोन के बैटरी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर आपको गेमिंग के लिए तगड़ा प्रोसेसर चाहिए तो OnePlus Nord के बीच में आपको दोस्तों मिलेगा Qualcomm Snapdragon 765G का, तो 765 का आपको इसमें Qualcomm का Snapdragon का प्रोसेसर मिल जाए, और BGMI के बीच में दोस्तों आराम से दोस्तों आप अल्ट्रा एंड एक्सट्रीम तक दोस्तों खेल सकते हो। ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्मूथ पर करके खेलोगे तो आपको आराम से दोस्तों अल्ट्रा एंड एक्सट्रीम पर दोस्तों खेलने का मजा आएगा, वो BGMI के बीच में। यहाँ पर दोनों को दोस्तों एक आपको टेस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मेन चीज़ दोस्तों देख लो कि इन दोनों फोन के बीच में ग्राफिक्स कैसे आते हैं, और दोस्तों स्मूथनेस तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मस्त है। और दोस्तों इन दोनों के दोस्तों मैं प्राइस की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको OnePlus Nord का दोस्तों देखने को मिल जाता है 25,000 एंड CE का भी दोस्तों 25,000 है। दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फोन की। दोस्तों ये है स्मार्टफोन हमारा OnePlus 7। दोस्तों ये है OnePlus 7, इसका प्राइस थोड़ा सा और बढ़ा दिया, लेकिन इसमें दोस्तों फीचर्स और ज्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इस फोन के बीच में, यहाँ पर डिजाइन दोस्तों देख लो कि ये फोन का दोस्तों डिजाइन है, डिजाइन के मामले के बीच में ये फोन कौन कौन से चीजों के मामले के बीच में दोस्तों जाना गया है वो मैं आपको दोस्तों पहले बताता हूँ। ये वाला फोन दोस्तों जाना गया है अपने लुक्स वाइज, एंड इस फोन में दोस्तों आपको स्क्रीन बहुत तगड़ी मिलती है और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है इसका, सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा दोस्तों खतरनाक डाला हुआ है इस फोन में, बहुत ज्यादा मस्त है दोस्तों। और यहां पर इसके पीछे जो बैटरी लाइफ है वो है पूरे एक दिन की, और लाउड दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, मींस कि दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स की वॉइस दोस्तों बहुत ही ज्यादा मस्त दोस्तों गूंज कर आएगी आपको। यहां पर दोस्तों इस फोन की बड़ी सी डिस्प्ले की बात करते हैं, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला चाहिए तो 6.41 इंच की आपको डिस्प्ले दोस्तों देखने को मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों फोन सबसे ज्यादा तगड़ा फोन है दोस्तों, मैं सच कहूं कि ये फोन दोस्तों एक ऐसा फोन है जो आपको गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देने के बीच में आपके लिए आपकी पूरी मदद करेगा। तो ये दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का दोस्तों देखने को मिलेगा इसका प्रोसेसर। तो गेमिंग के बीच में अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस 855 वाला स्नैपड्रैगन का OnePlus का ये प्रोसेसर जो मिला है दोस्तों बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। तो इसमें आप PUBG एंड BGMI दोस्तों आराम से आप 90 FPS के बीच में खेल सकते हो। सो कि 90 FPS ही लोग दोस्तों सोच रहे हैं कि 90 FPS चल जाए और क्या चाहिए। फ्रंट का कैमरा 16 MP का मिलेगा आपको, बैक का रियर कैमरा मिलेगा 48+5 MP के, बैक के दो कैमरा मिलेगा LED फ्लैश के साथ, तो 8GB की रैम मिलेगी, 128
6 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। तो दोस्तों इस फोन में हमें मिलती है एक दिन की पूरी निकालने वाली 2 पावरफुल बैटरी हमें मिल जाती है 3700 mAh की। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन की मैं प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों फोन का प्राइस आपको देखने को मिलेगा 29,999 का ये फोन देखने को मिलता है, वो भी दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के बीच में इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो इससे भी कई गुना बेहतर दोस्तों परफॉर्मेंस देने वाला स्मार्टफोन है। तो हमारा अच्छा चैनल भी है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, एक बहुत ही मजा आ जाए, वो है OnePlus 8। दोस्तों OnePlus का ये स्मार्टफोन जो 8 है ये है दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग स्मार्टफोन के बीच में ये आ गया। तो अमेजिंग स्मार्टफोन का मतलब दोस्तों ये है कि ऑलमोस्ट इसमें फीचर्स और आपको दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी देखने को मिलेगी इस फोन में। तो यहाँ पर इस फोन के मैं फीचर्स की बात करता हूँ कि कौन कौन सी चीजें मिलती है आपको इस फोन में। तो यहाँ पर 6.55 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, बड़ी डिस्प्ले दोस्तों आपको देखने को मिलती है इस फोन की। तो हाथ के बीच में फोन पकड़ोगे तो आपको मजा भी आएगा। तो इसमें दोस्तों आपको गेमिंग के लिए प्रोसेसर चाहिए तो उसके लिए आप हमें कंपनी ने दोस्तों दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का। तो 865 का इसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तो इसके बीच में दोस्तों हमें इस प्रोसेसर के साथ दोस्तों हमें आएगी 120Hz की दोस्तों रिफ्रेश रेट इस फोन की दोस्तों में मिल जाती है। तो वो दोस्तों हम 120fps के बीच में आराम से गेम खेल सकते हैं। तो इसमें हमें 12GB की रैम मिलेगी, 256GB की हमें मिलती है इसकी इंटरनल स्टोरेज। तो इसके दोस्तों इतनी ज़्यादा रैम के बीच में हम बड़ी बड़ी गेम्स डालेंगे, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा तगड़ी चलेगी। तो ये फ़ोन दोस्तों जाना जाता है ज़्यादातर इसकी दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दोस्तों बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और इसकी दोस्तों जो बड़ी डिस्प्ले के तौर पर यह फ़ोन जाना जाता है, आपको 16 MP का फ्रंट का कैमरा देखने को मिलेगा। तो इससे दोस्तों आप वीडियो बना सकते हो 1080 के बीच में, 2160 के बीच में बना सकते हो, 4K के बीच में, वो भी 16 MP के कैमरे से। बैक की लुक में आपको 3 कैमरे मिलेंगे। दोस्तों ये फोन दोस्तों सॉफ्टवेयर के मामले के बीच में भी सबसे ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। बैक के जो रियर कैमरे हैं वो है 48+16+2 MP के आपको कैमरा 3 मिल जाते हैं। तो 4K में वीडियो बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको बिग बैटरी दोस्तों मिल जाती है, बहुत ही बड़ी बैटरी, वो है 4300 mAh की बैटरी। तो आप दोस्तों पूरे एक दिन तक अगर फोन को चलाओगे तो आपका फोन दोस्तों लो नहीं होगा, ये कंपनी की गारंटी है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी सॉलिड बैटरी, ये बैटरी लाइफ बहुत ही तगड़ी दी है जैसे मैंने आपको कहा। तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ज़्यादा मस्त देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि दोस्तों ये फोन इसके प्राइस की बात करूं तो 39,999 का देखने को मिलेगा, 40,000 का दोस्तों ये वाला फोन है। तो ये फोन के बीच में दोस्तों क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का तगड़ा प्रोसेसर है, ये बिल्कुल दोस्तों ओके है। तो यहां पर दोस्तों जो मेन चीज है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऑलमोस्ट इसमें दोस्तों स्पीकर्स भी बहुत ही तगड़े मिलते हैं। तो सिस्टम 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, तो और दोस्तों आपको क्या चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, ये स्मार्टफोन हमारा लास्ट स्मार्टफोन होने वाला है। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है लास्ट स्मार्टफोन। तो लास्ट स्मार्टफोन दोस्तों सबसे ज्यादा लास्ट के बीच में क्यों रखा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अलग स्मार्टफोन रहा है, इसीलिए ये नंबर 1 पर आया है ये वाला स्मार्टफोन। इस फोन का दोस्तों नाम है OnePlus 9R। OnePlus 8 आपने देखा, लेकिन ये OnePlus 9R दोस्तों सबसे ज्यादा तगड़ा फोन कहा गया ये फोन को। तो ये फोन का दोस्तों डिजाइन वाइज हो गया या फिर ये फोन के दोस्तों लुक्स वाइज सब कुछ ऑलमोस्ट इस फोन में बेस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन की लुक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है 6.55 इंचेस की, वो भी दोस्तों इसकी डिस्प्ले बहुत ही तगड़ी मिलती है, वो भी हार्डनेस प्रोटेक्शन के साथ कि आपका फोन टूटे नहीं, आपका गलती से गिर भी जाए। तो यहाँ पर प्रोसेसर आपको गेम खेलना चाहते हो बड़ी सी बड़ी गेम खेलने के लिए, कंपनी ने हमें स्नैपड्रैगन 870 का दोस्तों तगड़ा प्रोसेसर दिया, ROG 5 के बीच में दोस्तों हमें स्नैपड्रैगन 888 का मिलता है, लेकिन इसमें 270 का मिल रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो बैक के जो रियर कैमरे हैं वो है 48+16+5+2 MP का आपको कैमरा मिलेगा, 8GB की रैम मिलेगी। तो इंटरनल स्टोरेज है 128GB की। तो 4500 mAh की दोस्तों बैटरी मिल जाती है। तो 4500 mAh की जो बैटरी है वो है बहुत ही बैटरी लाइफ दोस्तों, बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो मैंने स्मार्टफोन आपको बताए उन सभी की दोस्तों बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इस फोन के दोस्तों अब प्राइस की, कि कितना प्राइस इसका आपको देखने को मिलेगा। इसका प्राइस दोस्तों OnePlus 8 जैसा ही है, 39,999। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा
दूंगा। आई होप कि ये वाले फोन दोस्तों आपको मजा आया होगा। तो इन सभी फोन के बीच में आप कौन सा फोन लेना दोस्तों पसंद करते हो, सभी फोन के दोस्तों आपको स्पेसिफिकेशन बता दी, आपको दोस्तों लुक दिखा दी, आपको ऑलमोस्ट एक फोन का कंपैरिजन भी करके दिखा दिया। तो इन सभी फोन के बीच आपको कौन सा फोन बढ़िया लगा वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए जो फोन लेकर आऊँ वो मुझे नीचे बता देना कि आप कितने अंडर का फोन लेना चाहते हो और आपको क्या क्या फोन के बीच में मेन चीजें चाहिए, तो मैं ढूंढ ढूंढ कर लेकर आऊंगा, अगर होगी तो जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के बीच में। बस आपका एक फर्ज बनता है, अब जितनी मेरी मेहनत लगी है उसका आपने एक दोस्तों बस लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर करके जाना तो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के बीच में, तो बाय बाय।